नंबर ऑफ सेल्स चार सेल लिए हैं, नंबर ऑफ सेल्स फर्स्ट एक सेल लेकर, दो सेल लेकर, तीन सेल लेकर और चार सेल लेकर कॉलम ऐसे बना लिया। अब रीडिंग ऑफ अमीटर यानी करंट को रीड करता है, रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर और चौथा ये जो है ये वी बाई आई रेशियो, वी बाई आई रेशियो। इस तरीके से वो सेटअप तैयार कर और पूरा के पूरा एक कॉलम बना लिया। मान लो एक सेल लिया तो एक का पोटेंशियल है 1.5, ये तो पता है 1.5, ये 3 वोल्ट, ये कितना बताएगा 4.5 वोल्ट और वोल्ट मीटर में ना लिखेंगे जी, यहाँ लिख दिया इसको 1.5 वोल्ट, ये आएगा 3 वोल्ट, ये कितना आएगा 4.5 वोल्ट और ये कितना आएगा 6 वोल्ट। नोट कर लिया। लेकिन इसमें आप रीडिंग वैसा रहेगा सेटअप तभी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो पोटेंशियल तो हमको पता है इसलिए भर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडक्टर, कंडक्टर जहाँ चेंज होगा तो हमारे पास वैसा डिवाइस यहाँ पर रहता तो हम करके दिखाते आपको, तब इस एम्पियर मीटर का रीडिंग लिखते। लेकिन जैसे तुम कॉपर ले लो या सिल्वर ले लो, अलग अलग कंडक्टर लोगे तो अलग अलग रीडिंग यहाँ आएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जब ओम ऐसा कर रहा था तो ये वी बाई आई रेशियो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 आ रहा था। किसके आसपास आ रहा था? अराउंड 3, यहाँ मान लो 3 आया, एग्जैक्टली 3 तो इधर 2.99 ऐसे करके कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3, यानी यह क्या आया, वी बाई आई रेशियो आ रहा था क्या कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट आ रहा था। इसी आधार पर वी बाई आई बराबर कॉन्स्टेंट वो रीड किया, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा था, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ्लो आगे हो रहा है, और वह इलेक्ट्रॉनिक फ्लो उस कंडक्टर के दूसरे एटम आयंस द्वारा, माने इलेक्ट्रॉनिक फ्लो का विरोध किया जा रहा है दूसरे एटम द्वारा, आयन द्वारा, इस विरोध के अगेंस्ट ज्यादा वर्कडन करना पड़ रहा है, तो वही वर्कडन हीट एनर्जी में तब्दील हो गया, और हीट एनर्जी में तब्दील होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना, क्योंकि ये जो यूनी डायरेक्शन था, एक सर्टेन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसका कुछ भाग डाइवर्ट हुआ, है ना, कुछ इधर उधर इलेक्ट्रॉन गया, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया। अरे यही बात समझा, और तब ओम ने यहाँ पर इस बात को समझा हो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा, जिसके कारण थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वी बाई आई रेशियो में आ रहा है ना। अब लेकिन इसी पर टेम्परेचर को कांस्टेंट जब माना हुआ और रिजल्ट देखा, वी बाई आई बराबर कांस्टेंट, वी बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आर माना, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल है ना, यानी रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजिट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, है ना, किसी चालक या कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण वह उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस। ये देखो यहां पर ये कॉन्स्टेंट टर्म है, अब इसी को हम अगर आगे बढ़ा दें, एक एक सेल ले लेकर के यहाँ पर स्विच ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है, रीडिंग ले रहा है, इस तरीके से एक्टिविटी करता गया, एक सेल लिया, फिर दो सेल लगा के रीडिंग लिया, यहाँ लिखा, तीन सेल लेकर रीडिंग लेकर ऐसे लिखा, हर बार स्टेप वाइज स्विच ऑफ कर करके ऐसा वह एक्टिविटी करते गया। अब इस आधार पर हम आगे मैथमेटिक्स लगाकर बढ़ सकते हैं कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या आया, वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी बाई आई इक्वल टू क्या आया, कॉन्स्टेंट।
तो हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए, यानी प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को इक्वालिटी में तब्दील करने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है ना। जैसे हमारे पास आया वी बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट अभी तक आया है, दैट इज आर, ये रेजिस्टेंस है, इंप्लाइज दैट वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज अ कांस्टेंट। इफ वी हैव टू बी वी हैव टू टर्मिनेट दिस कांस्टेंट, देन कैसे इसको हम लिख सकते हैं, अगर इस आर को हटाएं तो वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, लिख सकते हैं ना, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसी आधार पर ये सब काम किस पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सारी प्रक्रियाएं, प्रक्रिया जो हुई है क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तब इसी पर हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे। ओम, ध्यान रहे, ओम ने सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है ना, ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेंस कांस्टेंट, वो गलत नहीं है, लेकिन ओम का ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया है कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, और वो लिखा है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ कैसे लिखेगा अभी, इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर रिमेंस कॉन्स्टेंट, देन द अमाउंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट flows through it, flows through it, it is directly proportional to the PD, यानी potential difference है ना, across its ends, this is ohms law hai na। if the temperature of conductor remains constant, then the amount of electric current flow through it is directly proportional to the potential difference across its end, its mane conductor ka end hai na, this is ohms law, प्रैक्टिकली वेरीफाइड है। अब ओम्स लॉ के आधार पर अब एक नया कंसेप्ट यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, कैसे ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, आई है वास्तव में क्या, इसको डिफाइन करेंगे, इसका यूनिट्स वगैरह पर भी हम बात अगले लेक्चर में करेंगे, यूनिट निकालेंगे और इसको डिफाइन करेंगे और वे सारे फैक्टर पर बात करेंगे कि किस किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है।